हेलो फ्रेंड्स, मैं लखनवी रसोई से। देखिए, कल से होलाष्टक लगने जा रहा है, जो होली के 8 दिन पहले से लग जाता है। इसमें कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। तो अब की बार होली 7 तारीख को जलेगी, तो उसके हिसाब से 8 दिन पहले से कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो कल शाम या सवेरे से, परसों सवेरे या कल शाम से होलाष्टक लग जाएगा। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को सिवई बना खिला देती हूँ। कल तो होलाष्टक लग जाएगा, उसमें कहते हैं कोई शुभ काम नहीं किया जाता कुछ भी। आप शादी, विवाह, मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश कुछ भी नहीं कर सकते हैं होलाष्टक में। जब होली जल जाएगी, पूर्णिमा हो जाएगी, उसके 8 दिन बाद भी अच्छा दिन नहीं माना जाता। तो मतलब अब शुभ काम जो भी होगा वो नवरात्र से होगा। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को सिवई खिला के मुँह मीठा करती हूँ। चलिए, देखिए गैस जल गई और ये मेरा घी गर्म हो रहा है। अब देखिए, मैं इसमें थोड़ा घी गर्म हो जाता है, फिर मैं इसको पिघल जाएगी। ये मेरी बाजार वाली सिवई है, जैसे हम लोग घर में भी बना लेते थे पहले। अब तो कोई घर वाली खाता नहीं, क्योंकि मोटी होती है। ये देखिए, मैं इतनी ले रही थी और इसको तोड़ दूंगी छोटी छोटी। मैंने बाजार से मंगाई है और इसको छोटा छोटा तोड़ देते हैं। ये देखिए दोस्तों, सिलेंडर मेरा नीचे से बंद था और मैं इंतजार कर रही थी। तो ये देखिए, अब खोला है मैंने, तो अब ये सिवई मैंने डाल दी है। ये देखिए, जब तक सिवई बन रही है तब तक मैं थोड़ा इसमें डालने के लिए किशमिश वगैरह मीठ निकाल लेती हूँ, मेवा, ड्राई फ्रूट। ये देखिए, ये सारा ड्राई फ्रूट है। देखिए, किशमिश है, गरी है, ये चिरौंजी है। अब इसको हम भून लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा ब्राउन हो जाता है ये। देखिए, हो गया है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि कल से होलाष्टक लगेगा, तो आज हम सोचे आप लोगों को सिवई बना खिला देते हैं मीठी मीठी। और ये तो ऐसी डिश है कि सभी लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आज मैं क्यों ना बना खिला दूं। पहले पहले होली के पहले मुंह मीठा, बाद में तो गुजिया उजिया होती रहेंगी। ये देखिए, इस बार हम लोग किसी कारणवश होली नहीं मना रहे हैं, तभी मैंने सोचा आज मैं कुछ मुंह बना के मीठा मुंह कर दूं। अब चलिए, देखिए ये हो गया है। वैसे महक आ रही है, देखिए महक आ रही है। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। 1 कप सिवई थी, कम से कम 2 कप 3 कप दूध। सिवई में दूध की कोई तादाद नहीं होती, जितना ही आप दूध डालोगे उतनी ही गाढ़ी और बढ़िया तैयार होगी। ये देखिए, जितना दूध पड़ेगा उसी हिसाब से ये गाढ़ी सिवई तैयार होगी। पानी बिल्कुल मिक्स ना करें। इतनी सिवई में अगर हम चाहें भी तो 1.5 किलो 2 किलो दूध पड़ सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मेवा है। ये देखिए मेवा है, ये काजू है और ये बादाम है, ये किशमिश है। ये बादाम देखिए मैंने छील लिया, मैंने भिगो दिया, तो इसको छील लिया। इसको ऐसे करके पहले भिगो दीजिए तो छिल जाएगा तुरंत ही। अब देखिए, मेरी सिवई भी करीब करीब रेडी है। रेडी क्या, बिल्कुल रेडी है। ज़्यादा टाइम सिवई में नहीं लगता है। ये देखिए, अब थोड़ा सा मेवा डाल देते हैं, इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। ये देखिए, इसको भिगो दिया था इसलिए लंबा लंबा कट गया। ये सब काट लेते हैं। और आपको मेरी सिवई कैसी लगी खा के बताइए। ये आपके खाने के लिए मैंने बनाई है, क्योंकि होली के पहले मैं आपका मुंह मीठा करा दूं, इसलिए मैंने सिवई बनाई है। सोचा चलते हैं सिवई बनाते हैं, फिर बच्चों को खिलाते हैं, फिर भाई बहनों को खिलाते हैं। ये देखिए, ये देखिए कट गया मेरा काजू।
ऐसे ही हम किशमिश भी काट लेंगे, बहुत बड़ी है इसलिए दो दो पीस में इसको काट लेते हैं ऐसे करके। कट गई, अब इसको हम इसमें डाल देते हैं पूरा। ये देखिए डाल दिया, इसको चला दिया। ये अब मेन चीज तो अभी बाकी है, मेन चीज है इसकी देखिए चीनी। अब देखिए एक कटोरी मेरी चीनी थी तो उसी के हिसाब से मैं चीनी डालूंगी, और एक कटोरी सिवई थी तो उसी के हिसाब से मैं चीनी डालूंगी। आपको इसमें भी ऐसा है कि किसी को ज्यादा मीठा पसंद है किसी को कम, तो जिस हिसाब से आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप चीनी का इस्तेमाल करें। देखिए ये मैंने चीनी डाल दी, ये इसको चला देते हैं बस। ये देखिए एक बार उबल गई, ये रख देंगे तो और जम जाएगी, थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी जैसे ही रख देंगे। ये देखिए आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। ये देखिए आज तो मेरे पैर में हल्का सा दर्द हो रहा था यहाँ पे गांठ में, तो मैं बैठ के बना रही हूँ नीचे। ये देखिए ये आप लोगों की, आप लोगों का प्यार मुझे यहाँ खींच लाया कि चलते हैं सेवई बना के आज अपने भाई बहनों को बच्चों को खिलाते हैं। अब देखते हैं कितने लोग इसको लाइक करते हैं, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। देखिए तो उबल जाइए, इसके बाद मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए असली चीज, ये हाफ स्पून इलायची है, देखिए पीस के मैंने रख रखी है, दिन भर पीसना ना पड़े इसलिए ये देखिए ये मैंने पीस के रखी है। हाफ स्पून डाल देते हैं, इसकी महक अच्छी आती है। ये देखिए कुछ भी रेसिपी बनाओ तो ये पिसी कुटी रखी है तो ज्यादा झंझट नहीं होता, बस तुरंत ही निकाला और डाल दिया इसमें। ये देखिए अब मेरी सेवई बन गई, चलिए अब सर्व करते हैं। आप भी देखिए, ये देखिए ये आप लोगों को सर्व करके दिखा देते हैं। देखिए ये जो आपको पतली दिख रही है तो ये पतली नहीं है, अभी 5 मिनट के लिए रख देंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी, और अगर ज्यादा गाढ़ी उतारेंगे तो बिल्कुल फिर गाढ़ी होती जाएगी। तो ये देखिए ये मैंने गैस किया बंद, अब इसको करते हैं सर्व। देखिए ये प्लेट है मेरी, ये देखिए ये अभी 5 मिनट के अंदर जब तक सब लोग खाओगे तब तक ये गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए फिलहाल सेवई में आप दूध 2 किलो भी डाल दो तो कम ही है, सेवई हो या खीर हो, खीर में भी मुश्किल से 2 चम्मच चावल डालो 2 किलो दूध डालो 10 आदमियों की खीर तैयार। सेवई बन गई, आप लोग भी बनाइए खाइए, क्योंकि कल से होलास्टक लगेगा, उसके पहले तो मुंह तो मीठा करिए, फिर बाद में सेवई में बनाइए 7 तारीख को। और होली की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी लोगों को लखनवी रसोई की तरफ से, मैं मिथिलेश भदौरिया। प्लीज आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, सब परिवार खुश रहे, सबसे बड़ी बात तो ये कि सब परिवार खुश रहे, दीर्घायु हो, जो मेन चीज है कि आप सभी लोग दीर्घायु रहे, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। अभी इसी कोरोना ने हम सब लोगों से बहुत से लोगों को छीन लिया है, जिसका जिनकी कमी अब हम जिंदगी में पूरी नहीं कर पाएंगे, क्या आप लोगों को क्या बताना। चलिए देखिए ये डालते हैं इसके ऊपर से हम गरी, ये देखिए नारियल का बुरादा है, अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो नारियल गरी जो होती है उसको काट के डाल दीजिए, वो अच्छी ज्यादा लगेगी इससे। ये देखिए ये बन गई मेरी मीठी डिश, क्या सेवई। ये देखिए बहुत फेमस डिश है ये, गांव शहर देहात इसको हम ये नहीं कह सकते, नहीं ये देहात की डिश है, ये शहर देहात हर जगह खाई जाती। ये देखिए आपको कैसी लगी मेरी सेवई की डिश, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और एक स्पून खा भी लें। देखिए ये लीजिए 1 स्पून, सभी मेरे भाई बहनों को बच्चों को होली फिर से मुबारक, ढेरों शुभकामनाएं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, देखिए
प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. थैंक यू सेवई. मेरी कैसी लगी आपको ये देखिए. थैंक यू.